आप सभी मित्रों का फिर से महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग संस्कृत व्याकरण में प्रमुख संज्ञाएं पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने कई संज्ञाओं पर अध्ययन किया। आज टी संज्ञा पर बात करेंगे, जो प्रत्येक संस्कृत कंपिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं, देखते हैं टी संज्ञा क्या है। देखिए टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचोन्त्यादि टी। देख लें अचोन्त्यादि टी। ये अष्टाध्यायी के प्रथम पाद का 63वां सूत्र है और सूत्र है अचोन्त्यादि टी। ये कहता है कि यदि पदच्छेद करेंगे तो अचह अंत्य आदि टी, अर्थात अंत्याचा टी, जो अंतिम अच है वो टी है, और जिसके आदि में है अर्थात जिसके प्रारंभ में है वो भी टी है। मतलब ऐसा जो यदि किसी कोई शब्द है, ऐसा समझे कि कोई शब्द है उसका जो अंतिम अच है, अच बोले तो स्वर है, जो अंतिम स्वर है उसकी टी संज्ञा होगी, और उसके उसके बाद यदि कोई व्यंजन है जो स्वरविहीन है उसकी भी टी संज्ञा होगी, अर्थात पूरे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होगी। इसको उदाहरण के माध्यम समझते हैं। पहले सूत्रार्थ देख लें। सूत्रार्थ है अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है, अर्थात कोई शब्द होगा उसमें कई स्वर प्रयोग किए गए जाएंगे, उसमें जो अंतिम स्वर होगा वो उसकी बात कर रहे हैं। वह आदि में हो जिसके वह वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। कहते हैं कि अंतिम अचों के मध्य में जो अंतिम अच है, अर्थात स्वरों के मध्य में जो अंतिम स्वर है, वह आदि में हो जिसके उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। आदि मतलब होता है प्रारंभ में, आदि मतलब क्या होता है प्रारंभ। इसके प्रारंभ में है उस वर्ण संप्रदाय की टी संज्ञा होती है। आइए आगे फिर समझ लें। जैसे मान लीजिए एक शब्द है राजन, ये शब्द देख लें, यहाँ ये शब्द है राजन। अब देखिए राजन में हम आप देखेंगे तो राकार के बाद अकार ये अच है, जा के बाद जो आ है वो भी अच है, और ना अजबीन है, तो इसमें अंतिम अच क्या है, जो जकार में जो ये हर्ष आ है ये अंतिम अच है, अंतिम स्वर है, और उसके बाद और किसके आदि में है, अर्थात ये आ जो है किसके प्रारंभ में है, तो ये ना के प्रारंभ में है, ना के पहले ही तो आप अजर पढ़ रहा है जग में, आ ना के पहले ही पढ़ रहा है, इसलिए ये देखिए यहाँ ये तो इस पूरे संप्रदाय की पूरे शब्द की टी संज्ञा होगी। इसको और अच्छे से हम लोग आगे देखते हैं, आगे व्याख्या समझते हैं। देखिए ये कहते हैं, ये व्याख्या देख लें अच्छे से, व्याख्या है ये, इसका व्याख्या ये है, किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञा वर्ण होगा। देखिए पहला समझें कि कोई शब्द हो और जिसका जो अंतिम स्वर होगा वही टी संज्ञा होगा। देख लें यहाँ समझ लें, सीधा सीधा कह रहा है कोई शब्द हो उसमें जो अंतिम स्वर हो उससे ही उसकी ही टी संज्ञा होती है। उस अंतिम स्वर के बाद में जो भी व्यंजन वर्ण होंगे वे भी टी संज्ञा होंगे। देखिए समझ लें, पहली बात कोई शब्द हो उसका जो अंतिम स्वर है उसकी टी संज्ञा कर दीजिए, और यदि वो जो अंतिम स्वर है जिसकी टी संज्ञा आप कर रहे हैं, यदि उसके बाद कोई ऐसा व्यंजन है जो स्वरविहीन है उसकी भी टी संज्ञा होगी। इसी चीज़ को उन्होंने मनस शब्द लिया, बताया जैसे मनस में देखिए माँ को यदि इनको वर्ण विच्छेद करें, वर्ण को अलग करें, तो माँ आ ना आ सा, यहाँ देखिए दो आपको यहाँ पे दो अच्छे दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है, एक ये है और एक ये है, दो आ है। अब इसमें अंतिम अच कौन है, अंतिम स्वर कौन है, तो आप कहेंगे ये वाला है, ये वाला अंतिम है, और ये जिसके आदि में है अर्थात जिसके प्रारंभ में है, देखिए सा के प्रारंभ में ये है, इसलिए इस पूरे अच की क्या होगी, टी संज्ञा होगी। यही कह रहा है कि यहाँ अंतिम स्वर नकार में विद्यमान आ है, सही बात है। आगे बाद सा व्यंजन वर्ण भी टी संज्ञा में गिना जाएगा, अतः मनस शब्द में अस की टी संज्ञा होगी।
अब आइए आगे इसी देख लें, राजन शब्द में देख लें कि राजन में अन इस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होगी, देख लें यहां पर भी और डिटेल से देख लें समझ लें। अब देखिए राजन में भी देखिए जा के बाद जकार का जो जा के बाद आ है उस वो अंतिम अक्ष है और वो ना के प्रारंभ में है इसलिए अन की टी संज्ञा हो गई। फिर राम में देखिए राम में अंतिम अक्ष माँ के में आ है उसके बाद कोई व्यंजन नहीं है इसलिए आगे ही टी संज्ञा हुई। फिर आगे बोले दधि, दधि में भी देखिए अंतिम स्वर ई है उसकी टी संज्ञा हो गई या किसी व्यंजन के प्रारंभ में नहीं है इसलिए केवल टी की अकेल ई संज्ञा हुई। अब आइए नोट, इसी को नोट देख लें। नोट देख लीजिए, नोट कहते हैं कि अंतिम स्वर तथा उसके बाद आने वाले स्वर रहित व्यंजन वर्ण टी संज्ञक होंगे। देखिए कह रहे हैं कि अंतिम स्वर होना चाहिए, उसके बाद आने वाले कोई स्वर रहित व्यंजन वर्ण टी संज्ञा होंगे जैसे मनस में अस की, मनस में अस की। आगे है दूसरा है, यदि अंतिम स्वर के बाद व्यंजन वर्ण नहीं होगा तो केवल शब्द का अंतिम स्वर ही टी संज्ञा होगा। यदि कह रहे हैं कि यदि कोई स्वर के बाद कोई व्यंजन नहीं है, अंतिम स्वर के बाद कोई व्यंजन नहीं है, अंतिम स्वर के बाद क्या है कोई व्यंजन नहीं है तो केवल शब्द का अंतिम स्वर ही टी संज्ञा होगा। जैसे दधि में यहाँ पर अंतिम स्वर ई है उसके बाद कोई व्यंजन नहीं है इसलिए इसकी टी संज्ञा केवल किसकी होगी, इसी टी संज्ञा केवल किसकी होगी तो केवल इकार केवल स्वर की ही टी संज्ञा होगी। इस उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। शीघ्र ही नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः।